सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गो अहेड के एक और नए मजेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम लोग एक से अब दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। आई होप आपको ड्रामा पसंद आ रहा होगा, कमेंट जरूर करना। चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जिंजिया ने हमारी अपने लिंग भैया को बचाने के लिए लड़ाई कर लिया था उस मोटे लड़के से। तो यहाँ पर वो सब बातें कर रहे होते, तभी डोरबेल बजता है। उसके पापा डर जाते हैं कहीं जिंजिया ने फिर से किसी को तो नहीं काटा। तो वो पूछते, जिंजिया बताओ मुझे, किसी और को तुमने नहीं ना काटा है? नहीं, मैंने बोला ना नहीं काटा मैंने। तो वहाँ पे जब वो दरवाज़ा खोलते हैं लिंक साहब दरवाजे पर होता है और अपनी जिंजिया के लिए वो मेडिक मतलब दवाइयाँ लेकर आता है, क्योंकि जिंजिया ने ही उसके लिए ही फाइट किया था। लेकिन वो अंदर नहीं आता क्योंकि अभी भी वो अपनी ही मुसीबत में उलझा हुआ है भाई, इसीलिए वो दे के वहाँ से चला जाता है। तो उसके पापा ये देख कर थोड़ा से मतलब बोलते हैं कि लड़का भी इसमें भी कुछ बात है। तो लिंग साहब अपने लिए खुद ही नूडल्स बनाता है, जो कि बहुत लेट हो चुका होता है, उसे भूख लगी होती है। तभी उसकी माँ उठ आंटियाज आ जाती हैं, जो कि आपको पता होगा कि लिंग के पापा बात कर रहे थे अपने जिंजा के पापा के होटल में। सो आंटीज आती हैं, तो आंटीज उसके पास्ट के बारे में बात करने लगती हैं, उसके बारे में बात करने लगती है कि आपको बाहर आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, घुलना चाहिए। और बात ही बातों में ये सब बोल देती हैं कि आपको अपने हस्बैंड से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अच्छे तरह से व्यस्त आना चाहिए। वो जो कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, मतलब वो ऐसा उनका इंटेंशन नहीं था, वो बस चिटचेट के लिए हल्के से आती हैं। लेकिन आपको पता है आंटियाँ, उनकी तो कुछ ना कुछ बोली निकल ही जाती है। सो उसकी मम्मी ये सब हंसते हुए सहती रहती है, मतलब सुनती रहती है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसको मन में ऐसा हो जाता है कि जैसे उसके हस्बैंड ने वहाँ जाके उनकी चुगली की है, उसके बारे में बताया है। और सिपा के मन में क्या चल रहा था वो तो आगे ही पता चलेगा। तभी हमारा जिंजिया वहाँ पर आ जाती है, फिर से अपनी लिंग भैया के पास बोलती है कि ये देखो कितना मस्त लग रहा, कितना स्मेल, कितना गुड कर रहा। क्योंकि वो हमेशा से चाहते कि प्लीज़ वो उससे बात करे, उसके साथ खेले, उसके साथ खाए। लेकिन जिंजिया इस सफल भी असफल होती है। लेकिन जैसे ही फिर रात होती है, उसकी माँ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके बैठी हुई थी घर में, तभी उसके जो लिंग के पापा आते हैं और देखते हैं, तो लिंग भी देखता है कि भाई इतना लेट हो गया है। तो जैसे उसके पापा आते हैं और देखते हैं, अरे ड्रिंक कर रही हो, कुछ स्पेशल है क्या, अरे तुमने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खा के बना के लेके आता हूँ। लेकिन उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा भड़की हुई होती है कि तुमने क्यों उन आंटियों को मेरे बारे में चुगली किया, जब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम मेरे साथ रह क्यों रहे हो। तभी लिंग की माँ बोलती है, लिंग तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से बात करना है। तो उसके पापा बोलते हैं, इतनी रात हो गई वो कहाँ पर जाएगा। लेकिन समझ रहे हो ना, उसकी ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर चुकी होती है। सो लोग फिर से लड़ने लगते हैं। यार भाई जीक्यू की मतलब जीक्यू को देखकर मुझे बहुत मतलब वो आता है यार कि कैसे तुम लोग उसके बारे में तो कम से कम सोचो। लेकिन वो लोग वो तो पूरा भड़की होती है क्योंकि उसकी आंटियाँ जो कि उसकी चुगली कर देती हैं। तो बोलता, तुम्हें तो बहुत मज़ा आता है ना। बोलता, मुझे मैं सच में मैंने उससे कुछ नहीं कहा है, मैंने उनसे कोई बात नहीं की है, तो फिर वो मेरे पास क्यों आई है, क्यों वो तुम्हारे बारे में वो सब ऐसे बातें कर रही थी। सो लिंग बेचारा अपना वही बाहर जाके फिर बैठ जाता है। तभी जिंजिया और उसके पापा आते हैं, बोलते हैं, लिंग तुमने खाना खाया क्या। तो जिंजिया आती है, इस बार जिंजिया ने मतलब वो सफल हो जाती है। वो आती है कि मेरे पापा ने बहुत मतलब स्वादिष्ट खाना बनाया है, चलो आओ। उसके बाद आओ ना, दो तीन बार कोशिश करने के बाद वो आखिर में उसके साथ चला जाता है, क्योंकि वो भी जानता है जिंजिया बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। नहीं, उसके पास वो जाता है और उसे बहुत तेज़ भूख लगी होती है, बहुत जल्दी जल्दी खाने लगता है। अरे आराम से खाओ, गले में अटक जाएगी तुम्हारे। सो खाना खाने के बाद जिंजा जो होती है अपने लिंग भैया को लेके जाती है कमरे में, बोलती है, ये देखो मैंने क्या लेकर, मतलब वो जो फोटोज़ होती है वो कलेक्ट की होती है, वो दिखाती है कि ये तुम्हारी बहन की जो फोटोज़ हैं, और तुम्हारी बहन जो है ना मेरी मम्मी के पास गई हैं, हम लोग फिर उसके वहाँ पर बहुत समय बाद जाके मिलेंगे, तुम टेंशन मत लो। नहीं, उसका मतलब लिंग बोलता है, लिंग तो थोड़ा समझदार होता है, वो बोलता है कि तुम्हारे पापा ये सब झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग मर चुके हैं, हम उनसे कभी नहीं मिल सकते हैं, और हम उनकी यादों को भी जला देते हैं कि ताकि वो हमें याद नहीं आए। देखो अपनी जिंजा बोलती है, ऐसा नहीं है, मेरे पापा मतलब मेरे पापा तो मेरे मम्मी के सारी चीज़ें सारी यादें संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन मुझे भी मम्मी की याद आती है, तो मैं उन्हें बताती नहीं हूँ कि मुझे मतलब मम्मी याद आ रही है, इसलिए कि कहीं उनको भी बुरा ना लगे, उन्हें मम्मी की याद ना आए। तो अपना लिंग बोलता है कि फिर तुम क्या करती हो जो तुम्हारी मम्मी की याद आती है। तो बोलती है, मैं तो ड्रॉ करने लगती हूँ, कुछ पेंटिंग बनाने लगती हूँ। सो लिटरली ये छोटे छोटे बच्चे यार, इनमें कितना ब्रेन है और ये कितना अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं। ऑब्वियसली हम सभी अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं आज या फिर थोड़े दिन बाद जब हम बड़े हो जाते हैं। सो फाइनली हमारी जिंजिया और लिंग की दोस्ती हो जाती है। तो वो हमेशा खाने के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए, आज ये बना है मेरे लिए, चलो आज फिश बना है, आज कड़ी बना है। और अपना वो भी लिंग भी हमेशा सीढ़ी पे बैठकर इंतजार कर रहा होता है कि कब जिंजिया आएगी और मुझे बुलाएगी कि आज ये बना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो पहले ही सीढ़ी पे आके बैठा होता है और दरवाजे पे नज़र रखता है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं, और वो पढ़ने का नाटक करता है, बार बार तिरछी आंखों से दरवाजे की तरफ देखता है कि जिंजिया आई क्यों नहीं अभी तक। तभी जिंजिया दरवाज़ा खोलती है, बोलती वाह आओ चलो आज नूडल्स बना है। तो मतलब भाई अपना लिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके पापा तो इतना टेस्टी खाना बनाते हैं और ऊपर से उनकी फैमिली में जो लिंग की इतने सारी चीज़ें होती रहती है, तो वो उनके मम्मी पापा लड़ते रहते हैं। तो जिंजिया के आसपास रहते ही लिंग बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है।
सो खाना खा ही रहे होते हैं, तभी जीक्यू की मम्मी की फ़ोन आती है कि, और वो फ़ोन करती है, बोलती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो ग्रेनी है, वो जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे उन्हें जाके उन्हें देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको जीक्यू का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ दिन आपको उसके साथ रखना पड़ेगा प्लीज़। देन उसके बाद वो बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा मतलब मैं आता हूँ और उसे लेकर जाता हूँ। सो जिंजिया के पापा जो होते हैं वो जीक्यू को लेकर आते हैं, बोलते ये आपसे तुम्हारा रूम है, तुम यहाँ पर रहोगे, आओ मैं तुम्हें सारी चीज़ें आके दिखाता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगा। और ये जिंजिया का रूम है, इसका थोड़ा सा माथा गुस्सेल रहता है, पर तुम तो बड़े हो ना, तुम समझदार हो, तुम थोड़ा उसे माफ़ कर दिया करना। सो जीक्यू अचानक से एक सवाल कर लेता है, बोलता है कि आप मेरी मम्मी से शादी कब करने वाले हो? शादी कब करने वाला हूँ, अचानक से तुमने ये क्यों पूछा? मैंने देखा कि आपने मेरी मम्मी को ढेर सारा पैसा दिया है, और मेरी आंटी ने कहा है कि कोई किसी को इतना बड़ा अमाउंट तभी पे करता है जब उनकी सगाई हो रही होती है, और आपने भी तो मुझे अपने यहाँ पर लेकर आया है, तो आपने मेरी मम्मी को इतने सारे पैसे दिए, इसके मतलब आप लोग शादी कर रहे हो ना? सो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, मतलब ठीक है भाई, हाँ हम लोग शादी कर रहे हैं, इसके हिसाब से मैं तो तुम्हारा पापा हुआ है ना, तो मैं जो भी कुछ कहूँगा तुम मेरी बात मानोगे ना? तो ऐसा बोलते उसके बाद अपना जीक्यू जो शौक हो जाता थोड़ी देर के लिए, तो जीक्यू क्या हुआ? अरे मैं मजाक कर रहा था, हेलो जीक्यू तुम ठीक हो ना? पापा क्या पापा? सो जीक्यू जो होता थोड़ा देर है मतलब सोचने के बाद फाइनली उसे पापा बोलता है, जिंजिया के पापा को। सो उसे बहुत मतलब अच्छा लगता है कि मतलब क्या बोला तुमने, पापा बोला? हाँ पापा। सो जिंजिया के पापा बोलते हैं हाँ मेरा बेटा, फिर से बोलो मेरा बेटा, तो बोलता है पापा। सो ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जीक्यू के भी पापा होते नहीं हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि जिंजिया जो है सबसे बड़ी मुसीबत थी, वो बोलती तुम यहाँ नहीं रह सकते, वो तुम्हारे डैड नहीं है, तुम उसे डैड नहीं बुला सकते हो, मैं बता। उसके बाद वो उसे दौड़ा दौड़ा के मारती है, दौड़ते दौड़ते वो गिरने का नाटक करती है, तो उसके बाद वो रोने लगती है, तभी जैसे जीक्यू उसके पास जाता है तो उसे दांत फिर से उसे काट लेती है। सो जैसे उसके पापा छुड़ाने आते हैं, तुम उसे कैसे काट सकते हो, तो जैसे वो उसे छुड़ाने आते हैं, देन वो उसके अपने पापा को भी काट लेती है, बोलते डॉग हो क्या? सो भाई मतलब लिटरली जिंजिया जो होती है जीक्यू को थोड़ा भी पसंद नहीं करती। इससे ही रात होता है, जिंजिया जो उसके सामान को ले जाके सीधे सीढ़ी से नीचे फेंक देती है, बोलती है अब दोबारा आना नहीं। सो अपना जीक्यू जो होता है कुछ नहीं बोलता है, वो दौड़ते दौड़ते जाता है, वापस अपने सामान को सीढ़ी से करके लेकर वापस अपने रूम में लेके आ जाता है। सो जिंजिया इतना आसानी से हाथ मारने वाली नहीं थी। उसके बाद जैसे ही सुबह होता है, अपना जीक्यू जो है ब्रश कर रहा होता है, जिंजिया फिर उसके सामान को ले जाके देखती है, वो आंटी देखती है ये क्या हो रहा है, लोग भागा भागी क्यों कर रहे हैं। सो वो फिर जाके सीढ़ी पे एक लात मारती है, चलो जाओ यहां से। तो उसके बाद फिर अपना जीक्यू जाता है बेचारा, फिर से वो सब सारे सामान को ढो के अपने रूम में लेके आता है। इतना ही नहीं था, वो तो यहाँ तक कि उसके जूतों में टमाटर काट के भर देती है, जो कि उसके जूते ख़राब हो जाते हैं। उसके पापा देखते हैं कितनी पागल लड़की है ये। सो लोग बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, जो कि तीनों के तीनों जन होते हैं, लेकिन हमारा जीक्यू जो बेचारा सामने बैठा होता है टीवी देख रहा होता है, पर उसके हाथ में वाटरमेलन नहीं होता है। सो हमारा जो लिंग होता है वो उसे प्यार से देता है, और देखना इसका चेहरा कितना मासूम होता है, वो कितने प्यार से टीवी देख रहा होता है। तो लिंग जैसे उसे वाटरमेलन ऑफर करता है, सो उसे एक ही पीस जब उसके हाथ में पड़ता है, वो कितना खुश हो जाता है भाई, लिटरली ये दिल को छू लेता है मेरे, कि वो कितना प्यारा बच्चा है। सो उसके बाद वो पूरे स्माइल तरीके से करके खाने लगता है, क्योंकि जीक्यू जो है बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, उसे ये सब चीज़ें भी मिली नहीं है। उसका सबसे बड़ा मिशन होता है जिंजिया का दिल जीतना, जो कि जिंजिया जब प्ले कर रही होती है तो उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, और मतलब जब वो मारती है शॉट तो वो गिरने का नाटक करता है, उसके साथ कुछ भी तैयार हो जाता है। उसके बाद जब भी वो खाना खाता है तो अपने सारे जो मीट होते हैं, चिकन्स होते हैं, वो सब जिंजिया को दे देता है, और जिंजिया अपने वेजिटेबल्स जो होती है वो सब अपनी जीक्यू को दे देती है। सो मतलब जीक्यू को इतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन तब भी चल रहा था। सो उसके पापा देखते हैं कि जीक्यू कितना होनहार, अब कितना अच्छा लड़का है। उसके बाद वो अपने मीट का टुकड़ा उसे देते हैं, और उसके थैंक यू पापा बोलती है, तो जिंजिया बोलती क्या 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 हुआ तुमको, मैं इतने दिल से खाना बनाता हूँ तुम्हें लिए और तुम्हें उल्टी आ रही है। लेकिन वो तो उसके मतलब जीक्यू को देखकर मतलब कि उसको डैड के कैसे कह दिया उसने। लेकिन अपने लिंग की मुसीबतें कम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ को वो फोटोज़ मिल गई थी जो जिंजिया ने उसे दिया था, तो पूछती है कि ये क्या है, कहाँ से मिला ये तुम्हें। तो उसके बाद वो उसके पापा बोलते अरे ये फोटोज़ से क्या हुआ ये, उसके बाद वो उसे लेके फिर से छिपा लेता है, बोलते वापस दो मुझे, बोलता है। तो उसके पापा बोलते अरे हमारी लास्ट तस्वीर है, यही तो एक निशानी बची है, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो, बेटा तुम जाओ स्कूल जाओ। नहीं दो मुझे वापस, मैंने कहा दो मुझे। देन वो उसे खींचने लगती है, तो उसके पापा बोलते हैं क्या तुम साइको हो गई हो क्या, अपने बच्चे के साथ ऐसा क्या कोई कैसे कह सकता है। हाँ हाँ मैं साइको हो गई हूँ, उस दिन वो बादाम मेरे गले में क्यों नहीं फंस गया कि मैं मर जाती यहाँ से, मेरी छुट्टी हो जाती और तुम्हें आज़ादी मिल जाती। अरे तुम अपने आप को क्यों ब्लेम करती रहती हो, हाँ तुम तो बोलोगे ऐसे कि तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी बेटी रहे ना रहे, है ना कि नहीं, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है।
सुलिंग की माँ सारे के सारे ब्लेम इस बोलती है, यही यही है मेरी बेटी का कातिल, यही जो है इसी की वजह से ये हुआ है। उस दिन अगर उसे बादाम खाने के लिए नहीं देता तो मेरी बेटी के गले में नहीं फंसता और वो मरती नहीं। इस सारे के सारी गलती इस लड़के की है, यही है, यही है मेरी बेटी का कातिल, यही है मेरे बेटी का कातिल। तो मतलब उसके पापा ये सब देखकर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है कि एक छोटे से बच्चे के लिए कैसे कह सकती है, और उसे मारना स्टार्ट कर देती है। तो उसके पापा को रहा नहीं जाता भाई, वो कितना सहेंगे अपने, आखिर उसके बेटे का आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये इसने मेरी बहन अपनी बहन को मारा, यही मेरा मेरी बेटी का कातिल है, तभी इतना हो जाने का, मतलब उससे थप्पड़ मार देते भाई, क्योंकि बर्दाश्त के बाहर हो चुका हुआ था। बोलता चुप करो, क्योंकि आप भाई थप्पड़ मारने के बाद माहौल शांत हो जाता है, लेकिन अब लगता नहीं क्योंकि आपको सही होने वाला है। अपना लिंग भाई रोना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो और उसके सिवा और वो कुछ कर नहीं सकता है। तो शाम होते ही लिंग जब अपने स्कूल से वापस आ रहा होता है, जिंजा उसके साथ खेलना चाहती है लेकिन वो उसके साथ खेलता नहीं, उसे झिझक देता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। लेकिन आगे जो होने वाला था इसे गौर से सुनना, क्योंकि उसकी माँ जो होता है लिंग की, वो सामान पैक करके वहाँ से परमानेंटली जा रही थी लिंग और उसके पापा को छोड़ के। लिंग बेचारा देखते ही रह जाता और कुछ बोल नहीं पाता है। तभी उसकी माँ जो है लिंग की वो जाने लगती है, तभी अपनी जिंजा बोलती है, आंटी आपको लिंग भैया नहीं चाहिए क्या? मेरे पास कोई भाई नहीं है, क्या मैं लिंग भैया को अपने पास रख सकती हूँ? वो ऐसा कहती है कि अगर आपको नहीं चाहिए तो क्या मैं लिंग भैया को रख सकती हूँ? क्योंकि वो उसका बच्चे वाला दिल था और उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसे छोड़ के जा रही है। सो उसकी माँ रोना स्टार्ट करती है और उसके बाद बोलती है, हाँ तुम उसे रख सकती हो, रोते रोते ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो वो तो जिंजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ये मुझे भाई मिल गया, मुझे ये भाई बहुत पसंद है, मेरे पास भी भाई है। लेकिन अपना लिंग जो है भाई वो लिटरली बहुत रोना स्टार्ट कर देता है, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं, लेकिन जिंजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सो आंटीज जो होती है वहाँ पर बात करने लगती हैं कि किस तरह उसकी बेटी मरी थी। उसकी बेटी एक्चुअली में लिंग और उसकी बहन जो है एक रूम में होते हैं, तो वो बादाम खा रही होती है तो बादाम उसके गले में अटक जाता है और दरवाज़ा बाहर से बंद होता है, उसके मम्मी पापा वहाँ नहीं होते हैं, तो दम घुटने की वजह से वो वहाँ मर जाती है और बेचारा लिंग पे सारी के सारी ब्लेम आ जाती है। सो उसके बाद ये सब बातें हो रही थी, तभी मतलब रात के होते हैं तो उसके पापा जो होते हैं लिंग के वो आते हैं और वो उसके जिंजा के पापा बोलते हैं, तुम रोज़ हमेशा इतने लेट क्यों आते हो, बताओ मुझे बच्चे कब के सो गए हैं? दिन वो अपने बच्चे को आके देखता है तो तीनों के तीनों बच्चे एक ही पलंग पे लेटे हुए होते हैं और अपना लिंग जो होता है जिंजा का हाथ पकड़े हुए होता है, जो कि कितना क्यूट सा मोमेंट होता है। उसके पापा का देखते हैं तो उसका दिल भर आता है कि बच्चे कितने शांति के साथ सो रहे हैं। सभी वो लोग मतलब वो दोनों थोड़ी सी बात करने लगते हैं अपनी फैमिली प्लानिंग की, कि हम कैसे अब बच्चों को पालेंगे, कैसे क्या हमारे पास्ट में हुआ है, क्या अब फ्यूचर होगा। सो वो लोग बोलते हैं कि चाहे जो हो जाए हम बच्चे का फ्यूचर जो है ख़राब न होने नहीं देंगे और हम लोग मिल के इनके इन्हें पालेंगे। सो लिटरली और ड्रामा सच्ची बहुत ज़्यादा औसम है भाई, मतलब इसमें लव है, कॉमेडी है, सस्पेंस है और स्टोरी लाइन इतनी अच्छी है कि आप बोलोगे कि भाई क्या ही स्टोरी है। सो देखते देखते समय पार हो जाता है और हमारे जो बच्चे होते हैं भाई वो हो जाते हैं बड़े, और लेकिन हमारे जो सेफ होते हैं वो तो सेफ ही होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं और बोलते हैं जिंजिया उठो लेट हो जाएगा नहीं तो स्कूल के लिए, और वो ब्रेकफास्ट सबके लिए लगाते हैं। तभी हमारी जिंजिया है सर नीचे करके, जो कि बड़ी हो चुकी है, वो सीधे उसका चेहरा तो नहीं दिखता और उसके बाद वो सीधे बाथरूम की ओर घुस जाती है। तो भाई अपनी जिंजिया बड़ी हो चुकी थी, जिंजिया क्या अपने सारे बच्चे बड़े हो चुके थे। तभी हमारा जिक्यू आता है जो कि अपने पापा की हमेशा पहले भी मदद करता था, अभी भी वो वेजिटेबल्स लेकर आता है। उसके बाद बोलता है कि अपनी लिंग को भी बोल दो, तो लिंग को बुलाने के लिए वो एक डंडा छत के ऊपर मारता है क्योंकि लिंग का घर तो ऊपर ही है। सो कि लिंग जल्दी आ जाओ, सो वो जैसे ही बाथरूम की ओर भागता है क्योंकि उसे प्रेशर आया होता है, तो बोले डम मैं अंदर ही हूँ, मुझे हल्का होने दो तो ऐसा बोलती है। तो आपने बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, उसके बाद वो सीधे चाबी निकालता है और सीधे ऊपर वाले लिंग के रूम में चला जाता है और लिंग भी बेचारा वहीं ब्रश कर रहा होता है, उसे पता नहीं होता, बोलता है मैं तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब मैं ब्रश कर रहा हूँ तो बाथरूम में नहीं आने का। तब तक अपना हैंडसम जी क्यों हल्का हो चुका, बोलता ठीक है अगली बार से नहीं आऊँगा। तभी अपना लिंग होता है वो टॉयलेट पेपर उठा के भाग जाता है, तो अपना जी क्यों बोलता है कोई बात नहीं मेरे पास बैकअप प्लान है, इसलिए मैंने पहले से ही ला के रखा हुआ है। तभी वो एक पॉकेट से कागज़ का टुकड़ा निकालता है और जैसे वो निकालता है लिंग उसे भी लेकर भाग जाता है। सो भाई दोनों बच्चे तो पूरा इतने स्मार्ट थे भाई कि क्या ही बोलूँ। तभी हमारी जिंजिया को देखना, जिंजिया भी काफ़ी ब्यूटीफुल सी होती है और एकदम सी क्यूट सी होती है। तभी वो उसके पापा बुलाते हैं, जिंजिया जल्दी आ जाओ, और साथ ही साथ बोलते हैं कि तुम लोग बड़े हो, तुम्हें बहन का ख्याल रखना है, वो छोटी है, तुम्हें भाई की तरह व्यवहार करना है। तो अपना जीक्यू बोलता है टेंशन मत लो पापा मैं हूँ ना, सपना लिंग बोलता है टेंशन मत लो मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा। तो जीक्यू अपना देखने लगता है और तभी दरवाज़ा खुलता है और हमारी फीमेल लीड हमारी जिंजा की एंट्री होती है, जो कि बहुत धांसू तरीके से चेयर पे अपना पैर रखती है टिश, और उसके बाद कैमरा नीचे से सीधे ऊपर की तरफ जाता है और सभी लोग चौंक के उसे देखने लगते हैं कि भाई ये स्कूल के ड्रेस में इसने क्या पहना हुआ है, और जिंजा काफ़ी क्यूट लग रही होती है। तो भाई नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।